अब समय आ गया है हमस के गजा पट्टी पर हवाई हमले के साथ साथ चीन पर भी ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा। पीएम मोदी और नफ्तली वेनेट के बीच चीन के खिलाफ बड़ा एक्शन प्लान पर बातचीत हो चुकी है, जो सूत्रों के हवाले से हमें पता चल रहा है। भारत के साथ इसराइल का रिश्ता पहले से और भी ज्यादा मजबूत हुआ है, वो इस बात से पता चलता है जब इसराइल के नया प्रधानमंत्री बनते ही वेनेट ने भारत पर धमाकेदार बयान दिया था और तभी से भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन और पाकिस्तान की गला सूख गया था और वे सोच में पड़ गया था कि अगर युद्ध हुआ तो भारत के तरफ से इसराइल हम पर हमला कर देगा। तो चीन पाकिस्तान इस बात से सदमे में है कि बेंजामिन नेतन्याहू से भी खतरनाक निकले नया प्रधानमंत्री नफ्तली वेनेट, जो इन दोनों ही देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। और खबर ये आ रहा है कि हमस के आतंकी संगठन पर हमले के साथ ही इसराइल भारत की तरफ से चीन पर भी कभी भी हवाई हमला कर सकता है, क्योंकि चीन के घिनौनी हरकतों से पूरी दुनिया में उसके खिलाफ काफी ज्यादा गुस्सा है। और दूसरी तरफ चीन अपने विस्तारवादी नीति के कारण भारत से भी सीमा पर लगातार साजिश रची जा रही है और भारत भी तैयार है चीन के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने के लिए। और ऐसे में अगर भारत चीन में युद्ध शुरू हुआ तो इसराइल अपने दोस्त भारत के तरफ से चीन पर मिसाइल दाग सकता है। हमास के आतंकवादियों ने लगातार तीसरे दिन भी इसराइल की तरफ आग लगाने वाले गुब्बारे फोड़े हैं। इसके बाद इजरायली सेना ने दूसरी बार जवाबी कार्रवाई करते हुए गजा पट्टी क्षेत्र पर हवाई हमले किए हैं। हमलों की इस कार्रवाई से पिछले माह दोनों के बीच हुआ युद्ध विराम खटाई में पड़ता दिखाई दे रहा है। युद्ध विराम टूटने के कगार पर गजा में आतंकियों के कई ठिकाने किए तबाह। इजरायली हमले इतने जोरदार थे कि पूरे शहर में बमों की आवाजें सुनी गई। इजरायली सेना ने कहा कि उसने बृहस्पतिवार की रात हमास के आगजनी वाले गुब्बारों के जवाब में गाजा पर ताजा हवाई हमले किए हैं। इनका मकसद इजरायली खेतों में हजारों एकड़ में खड़ी फसल को तबाह करना है। हालांकि इन हवाई हमलों में हताहतों और संपत्ति के नुकसान की स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलिस्तीनी सूत्रों ने बताया कि इजरायली मिसाइलों ने बृहस्पतिवार को हमास के गाजा शहर स्थित कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस हमले की चपेट में नागरिक प्रशासन की एक इमारत भी आ गई। इसके अलावा कई खेत भी तबाह हो गए हैं। इन हमलों से दोनों पक्षों के बीच 11 दिनों तक लड़ाई में 250 से ज्यादा लोगों की जान जाने के बाद हुआ संघर्ष विराम अब टूटता दिखाई दे रहा है। हमास नियंत्रण वाले अल अक्सा टीवी ने दावा किया है कि गाजा में इजरायली ड्रोन विमान को मार गिराया गया है। गुब्बारे जहां भी गिरते हैं तबाही मचाते हैं। आतंकी गुट हमास के सदस्य गुब्बारों को फुलाकर उसके अंदर जलनशील पदार्थ भरते हैं और फिर इजरायली क्षेत्र के तरफ उन्हें उड़ा देते हैं। इन गुब्बारों के फटने से वहां आग लग जाती है। गुब्बारे में चूंकि विस्फोटक पदार्थ होते हैं, इसलिए वे जहां भी गिरते हैं वही धमाका होता है और भारी तबाही होती है। इनकी चपेट में अक्सर बच्चे आ जाते हैं जो लालच में फंस कर उसे छू देते हैं या उसे लेने को दौड़ते हैं। यद्यपि पिछले माह मिस्र की मध्यस्थता में अमेरिकी चेतावनी के बाद इसराइल हमास में युद्ध विराम के बाद हमास ने गाजा में नए भर्तियां की है। इन्हीं प्रशिक्षुओं द्वारा पिछले कुछ दिनों से इसराइल की तरफ से आग लगाने वाले गुब्बारे भेजे गए। इसराइल इसका जवाब हवाई हमलों से दे रहा है। यह हमले हमास के रॉकेट लॉन्चिंग साइटों पर किए गए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वे हमास के आतंकी संगठनों पर हमले जारी रखेगी। ब्लिंकन ने की लपिद से बात। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजरायली विदेश मंत्री आयर लपिद से फोन पर बात की है। उन्होंने कहा, हमने इजरायल की सुरक्षा, हमारे द्विपक्षीय रिश्तों और आगे की चुनौतियों के लिए अमेरिका की मजबूत प्रतिबद्धता पर चर्चा की है। हालांकि अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेट प्राइड ने अपने बयान में गाजा पर हुए इजरायली हवाई हमले का जिक्र नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि यह वार्ता इसी परिप्रेक्ष्य में थी। फिलिस्तीनियों के टीके की 10 लाख खुराकें भेजेगा इजरायल। इजरायल ने शुक्रवार को कहा है कि वे जल्द कोविड-19 के टीके की 10 लाख खुराक फिलिस्तीनी प्राधिकरण को भेजेगा। समझौते के तहत संयुक्त राष्ट्र द्वारा जरूरतमंद देशों को टीके की आपूर्ति करने के कार्यक्रम के तहत टीके की खुराक मिलते ही इजरायल उसे फिलिस्तीनी प्राधिकरण को हस्तांतरित कर देगा। इसराइल के नए प्रधानमंत्री नफ्तली वेनेट भारत के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। सत्ता संभालने के बाद वेनेट ने कहा कि वे भारत के साथ शानदार और मधुर संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ काम करने को लेकर उत्सुक है। दरअसल पीएम मोदी ने नफ्तली वेनेट को बधाई दी थी, जिसके जवाब में इसराइल के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री ने यह बात कही। बता दें कि इसराइल में बड़ा साल तक
चले बेंजामिन नेतन्याहू युग का अंत हो गया है। अब यहाँ 8 दलों वाली गठबंधन सरकार है। वहीं इसराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लपिद ने सोमवार को कहा कि नई सरकार भारत के साथ रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बधाई संदेश का जवाब में लपिद ने कहा, मैं दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में साथ काम करने की उम्मीद करता हूँ और आशा है कि जल्दी इसराइल में आपका स्वागत करेंगे। जयशंकर ने इससे पहले एक ट्वीट कर अपने इसराइली समकक्ष को बधाई दी थी। उन्होंने लिखा था कि इसराइल के वैकल्पिक प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री याइर लपिद को उनकी नियुक्ति पर बधाई। अपने बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी को और आगे ले जाने के लिए मिलकर काम करने को तत्पर है। 2023 में बदलेंगे इसराइल के पीएम। यश आदित पार्टी के प्रमुख लपिद सत्ता साझेदारी समझौते के तहत सितंबर 2023 में नफ्तली बेनेट से प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालेंगे और कार्यकाल पूरा होने तक 2 साल के लिए इस पद पर रहेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसराइल के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले नफ्तली बेनेट को बधाई देने के साथ ही अपने ट्वीट में नेतन्याहू के प्रति अपना गहरा आभार व्यक्त किया। मोदी ने भारत इसराइल साझेदारी को व्यक्तिगत तौर पर प्राथमिकता देने के लिए नेतन्याहू का धन्यवाद व्यक्त किया। नफ्तली बेनेट एक विस्फोटक राष्ट्रवादी नेता है जिन्हें अपने देश के हर एक नागरिक से बेहद प्यार है। वे मानते हैं कि देश का हर एक नागरिक, चाहे वे किसी भी धर्म का हो, उन सब में एक ही खून बहता है और उस खून का नाम है इसराइल जिंदाबाद। देश के अंदर या बाहर अगर कोई भी इजरायली नागरिकों के खिलाफ साजिश या योजना बनाता है तो नफ्तली बेनेट उसे फोड़ना भी जानते हैं। तो जरा सोचिए कि अगर आप हमास के आतंकी गलती से भी इसराइल के ऊपर गुब्बारा उड़ा दे तो नफ्तली बेनेट उन आतंकियों का क्या हाल करेंगे। जानकर ऐसा मानते हैं कि हाल में हुए हमास की तरफ से रॉकेट हमले हुए थे, अगर उस वक्त नफ्तली बेनेट प्रधानमंत्री होते तो इसराइल का नक्शा बदल गया होता और इसराइल के क्षेत्रफल में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक समा गया होता। नफ्तली बेनेट आतंकियों के साथ शांति वार्ता में यकीन नहीं रखते, बल्कि वे आतंकियों के हाथ काटने जानते हैं, जिन हाथों से हमास के आतंकी इसराइल के मासूमों पर रॉकेट दागते हैं। अभी नफ्तली बेनेट को मात्र 2 साल के लिए प्रधानमंत्री बनाया गया है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अपने विस्फोटक नीति के आधार पर नफ्तली बेनेट 20 साल तक के लिए इसराइल के जनता के दिलों पर राज कर सकते हैं। नफ्तली बेनेट के रहते पाकिस्तान के गंडू मंत्री इसराइल के खिलाफ चू तक नहीं कर सकते। अगर पाकिस्तान के गंडू मंत्री फिर से ऐसी गलती करते हैं तो नफ्तली बेनेट उन्हें सुसु भी करा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसराइल के खिलाफ गंदी सोच रखने वालों के लिए नफ्तली बेनेट काल है और वे ऐसे लोगों पर मौत बनकर टूटता है। पाकिस्तान को यह बात पता होनी चाहिए कि नफ्तली बेनेट कोई भैंस चराकर इसराइल के प्रधानमंत्री नहीं बन गए, बल्कि 49 वर्षीय बेनेट राजनीति में आने से पहले टेक एंटरप्रेन्योर रह चुके हैं, एक पूर्व स्पेशल फोर्स कमांडो भी रह चुके है, जिन्होंने दुश्मन के दांत ऐसे तोड़े जिनका इलाज आज तक नहीं हो पाया। बेनेट अमेरिका में जन्मे माता पिता के बेटे हैं। बेनेट अभी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इसराइल के रनाना में रहते हैं और दुश्मनों का बजाना भी जानते हैं। ईरान, पाकिस्तान, तुर्की और चीन जैसे देश नफ्तली बेनेट के फेवरेट दुश्मन है। खास करके ईरान के खिलाफ अपने आक्रामक रूप के लिए नफ्तली को पूरे दुनिया में जाना जाता है।